हेलो दोस्तों, तो फाइनली दोस्तों रेडमी ने एक नया फ़ोन लॉन्च कर दिया, रेडमी 8, जिसकी प्राइस रखी गई है 7,999 रुपये। और आज हम कंपेयर करेंगे रेडमी 8 और रियलमी 3i के बीच में, जिसमें दोनों ही फ़ोनों की बेस प्राइस में 7,999 रुपये मिलती है। अगर डिज़ाइन की बात करें तो दोनों ही फ़ोनों में पॉलीकार्बोनेट डिज़ाइन देखने को मिलती है और दोनों ही फ़ोनों में फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक मिलता है। लेकिन दोस्तों रियलमी 3i का फिंगरप्रिंट ज़्यादा फास्ट काम करता है। अगर बात करें डिस्प्ले की तो रेडमी 8 में हमें 6.22 इंच का HD प्लस IPS डिस्प्ले मिलता है, जबकि रियलमी 3i में भी हमें 6.22 इंच का HD प्लस IPS डिस्प्ले मिलता है। दोनों ही फोनों में हमें ड्यू ड्रॉप नोच के साथ मिलता है। रेडमी 8 हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है, जबकि रियलमी 3i में हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिलती है। अगर बात करें हम सॉफ्टवेयर की तो रेडमी 8 में हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 439 मिलता है, जो कि 2.0 GHz ऑक्टा कोर पर क्लॉक्ड है, जबकि रियलमी 3i में हमें ऑक्टा कोर का हीलियो P60 प्रोसेसर मिलता है, जो कि 12 nm पर बेस्ड है। अगर दोस्तों बात करें हम OS की तो रेडमी 8 में हमें MIUI का 10OS मिलता है, जो कि एंड्रॉयड 9 पाई पर बेस्ड है, जबकि रियलमी 3i में हमें कलर OS 6 मिलता है, जो कि एंड्रॉयड 9 पाई पर बेस्ड है। दोस्तों रेडमी 8 में हमें वाइड वाइन L3 का सपोर्ट मिलता है, वहीं रियलमी 3i में वाइड वाइन L1 का सपोर्ट मिलता है। दोस्तों आपको इनमें से कौन सा OS पसंद है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर बात करें कैमरे की तो रेडमी 8 में हमें ड्यूअल कैमरा मिलता है, जिसमें 12 मेगापिक्सल का सोनी IMX363 सेंसर मिलता है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है। वहीं रियलमी 3i में हमें 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है। अगर दोस्तों हम बात करें फ्रंट कैमरे की तो रेडमी 8 में हमें 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, जबकि रियलमी 3i में हमें 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। अगर बात करें बैटरी की तो रेडमी 8 में हमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है, जिसमें 18W का फास्ट चार्जर के साथ आता है। और दोस्तों रियलमी 3i में हमें 4230 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि 10W के नॉर्मल चार्जर के साथ आती है। रेडमी 8 में हमें USB टाइप सी मिलती है, जबकि रियलमी 3i में हमें माइक्रो USB देखने को मिलती है। अगर हम बात करें सिम एंड कनेक्टिविटी की तो दोनों फ़ोनों में हमें डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिलता है और दोनों फ़ोनों में हमें 3.5 mm जैक देखने को मिलता है। अगर दोस्तों बात करें हम प्राइस की तो रेडमी 8 का बेस वेरियंट 3GB 32GB 7,999 रुपये में, 4GB 64GB 8,999 रुपये में मिलता है। और दोस्तों MI की तरफ से एक ऑफर में जिसमें फर्स्ट 5 मिलियंस ऑर्डर्स में हमें 4GB 64GB 7,999 रुपये में मिलता है। और दोस्तों अगर बात करें रियलमी 3i की तो उसका बेस वेरियंट 3GB 32GB में 7,999 रुपये में और 4GB 64GB में 9,999 रुपये में मिलता है। अगर दोस्तों ओवरऑल बात करें तो दोनों ही फ़ोनों की डिस्प्ले सेम है और दोनों ही फ़ोनों का कैमरा भी दोस्तों लगभग सेम है। और दोस्तों प्रोसेसर में अगर बात करें तो रियलमी 3i का प्रोसेसर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसमें हीलियो का P60 प्रोसेसर मिलता है। और दोस्तों अगर बैटरी की बात करें तो बैटरी रेडमी 8 में 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, जो कि 18W के फास्ट चार्जर के साथ आती है। और इसमें USB टाइप सी भी देखने को मिलती है, जबकि रियलमी 3i में 4230 mAh की नॉर्मल चार्जर के साथ बैटरी मिलती है। तो दोस्तों आपको इनमें से कौन सा फ़ोन अच्छा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।